नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल, और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं वास्तु की बात कमल नंदलाल के साथ सिर्फ एस्ट्रोतक पर। एस्ट्रोतक एक ऐसा मंच जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाने का प्रयास निरंतर जारी रखे, और ये प्रयास आगे भी जारी रहेगा। इसलिए एस्ट्रोतक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस फेसबुक और यूट्यूब पर। खास बात और पते की बात, घर के सेंटर में इसे लगाएं और फैमिली डिस्प्यूट से छुटकारा पाएं। जी हाँ, आप फैमिली डिस्प्यूट से छुटकारा पा सकते हैं, बस इसे घर में लगाएं। कारण क्या और क्यों कारण? घर का सेंटर ही क्यों, कहीं और क्यों नहीं? और क्या है ऐसी चीज जिसे आपको लगाना है घर के सेंटर में? आइए हम जानते हैं। वास्तु के अनुसार हमारी घर की परिधि को, हमारे प्लॉट को, हमारे फ्लैट को 9 भागों में विभक्त किया जाता है, और हर एक की दिशा अलग अलग है, लेकिन घर का केंद्र यानी कि घर का सेंटर ब्रह्म स्थान कहलाता है। जो हमारी 10 दिशाएं हैं उनका परपेंडिकुलर एक्सिस और उनका सेगमेंट, ट्रांस सेगमेंट जिसे हम कहते हैं, इस तरीके से देखा जाए वो ब्रह्म केंद्र से ही देखा जाता है। ये दिशाएं कौन कौन सी हैं? ये दिशा है उत्तर, उत्तर पूर्व, पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम, 7x7 में उत्तर पश्चिम। ये हो गई 8 दिशाएं। एक हो गई ऊर्ध्वाधर यानी कि आकाश, और एक हो गई पाताल। लेकिन ये सारी दिशाएं एक परपेंडिकुलर एक्सिस पे खड़ी हुई हैं, जिसको हम मिड कोर पॉइंट कहते हैं। उस जगह को, घर के केंद्र को कहते हैं ब्रह्म स्थान। वहां वास्तु पुरुष स्वयं विराजित होते हैं, और ये सारी दिशाएं जो हैं 10 दिशाएं, ये वास्तु पुरुष के अंग कहलाते हैं। और घर का ब्रह्म स्थान वास्तु पुरुष का मन कहलाता है, उसका हृदय कहलाता है, सेंटर पॉइंट। यहां पर ऐसा क्या लगाना चाहिए जिससे आपके घर में हो रहे डिस्प्यूट्स, फैमिली डिस्प्यूट्स खत्म हो जाए? आइए हम परिचर्चा करते हैं और जानते हैं कि क्या लगाने से हमारा घर बिल्कुल शिव परिवार जैसा हो जाएगा। आइए छोटी सी व्याख्या लेते हैं। शिव परिवार का एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूं यह आपको मैं बताता हूं। देखिए, शिव परिवार एक ऐसा परिवार है जो बहुत कम चीजों की उपलब्धता में सबसे सुखी माना गया है। भगवान शंकर के पास बहुत ज्यादा वस्त्र नहीं है, वो विष्णु की तरह लग्जरियस नहीं रहते, वो सोने से लादे नहीं रहते, वो अपने गले में नाग धारण करते हैं। अब नाग जो है वो मोर से शत्रुता रखता है, तो उनके जो पुत्र हैं कार्तिकेय, वो मोर पर सवारी करते हैं, तो साथ रहकर भी ये लड़ते नहीं, एक दूसरे को मारते नहीं। बात करते हैं माता पार्वती की, शिव की अर्धांगिनी, ये शेर पर सवार होती हैं और भगवान शंकर बैल की सवारी करते हैं। शेर और बैल आपस में शत्रुता रखते हैं, शेर बैल को मारकर खा जाता है, लेकिन ये अपने आप में कभी नहीं लड़ते, एक साथ रहते हैं। बात करते हैं गणपति की, गणपति का वाहन क्या है? चूहा। चूहा जो है वो सांप से डरता है, सांप चूहे को खा जाता है, लेकिन भगवान शंकर के परिवार के अंदर सांप और चूहे में भी बैर नहीं है, वो भी एक साथ रहते हैं और कभी भी एक दूसरे को खाते नहीं है, हानि नहीं पहुंचाते। माँ गौरी अपने फॉर्मेट में गाय को लेकर भी साथ चलती हैं, गाय और शेर में भी शत्रुता है, तो शेर भी उस गाय को कभी नहीं खाता। दूसरा, उनके परिवार में कच्छक होता है जो नारायण है, हमेशा उनके दास्ता में रहते हैं, उनकी सेवा में रहते हैं। आप कभी अगर शिवालय जाएंगे तो शिव परिवार को देखिएगा, वहां पे कच्छप का साइन होता है, यानी कि कछुए का साइन होता है, और कछुआ कौन है? स्वयं नारायण। तो वो भी वहीं पर अभिनस्त होता है, वहीं पर होता है, और उसकी वजह से शुभता है। दूसरी बात, अगर हम नंदी की बात करें तो नंदी जो है वो भी वहीं विराजमान है, स्थिरता का साइन है। नंदी जो है आपने देखा होगा कभी हिलता नहीं है, स्थिर बैठ जाता है, और वो हमेशा उस डायरेक्शन में होता है जहां पर शिव होते हैं, शिव के सानिध्य के बगैर हिलता नहीं। दूसरी बात, उसी परिवार का हिस्सा है भगवान हनुमान जी, जो कंवारे बच्चों का फॉर्म कहा गया है, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी हैं, तो ये भी सिग्निफिकेशन है कि कंवारे बच्चे भी वहीं खुश रहेंगे। भैरव जो है वो परम भोगी हैं, वो भी वहीं हैं, यानी कि शादीशुदा लोग भी सुख और समृद्धि के साथ रहेंगे, एक ही माता के बहुत सारे पुत्र हैं।
एक ही माता की संतान है, और साथ ब साथ कौन है, संतोषी माता, संतोषी जो सबके मन में संतोष देती हैं, जिसकी वजह से कभी लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, डिस्प्यूट्स नहीं होते हैं। तो कितनी इमेजिनेटरी पॉइंट्स हमने देखे हैं एक शिव परिवार के अंदर। वो चीज़ क्या है जिसके घर में लगाने से शिव परिवार जैसा हो जाएगा हमारा परिवार, समझ लीजिए। जी हाँ, वो चीज़ है शिव परिवार का चित्र। अगर आप घर के सेंटर में शिव परिवार का चित्र लगा देते हैं तो घर के सारे डिस्प्यूट्स खत्म हो जाते हैं। दो शत्रु भी आपस में मित्र बनकर रहेंगे, सारे जानवर एक साथ एक ही नदी के तट पर पानी पिएंगे, यानी कहने का मतलब है जितने भी परिवार के लोग हैं वो सब मिलजुल कर रहेंगे। खाना हम घर में अगर दाल भी बनाएंगे, किसी को दाल पसंद नहीं है तो वो खाना तो खा लेगा, इसलिए सुख और समृद्धि रहेगी और रहेगा संतोष। संतोषी मान होकर के शिव के परिवार का आशय है, सब में संतोष रहेगा, सब सुख भोगेंगे और सब लाइफ को पर्टिकुलरली जिएंगे। तो ये एक तरीका है जहां पर संतोष के माध्यम से आप अपने परिवार को आगे ले जा सकते हैं और जीवन को समृद्धि की तरफ अग्रसर कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि बेसिकली ये एक ऐसा चित्र है जो आपको घर के ब्रह्म केंद्र में लगाना है और आपके जीवन से डिस्प्यूट्स का सफाया हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खास बात, हमारा जो प्रोग्राम है गुड लक राशिफल विद कमल नंदलाल, उसे जरूर देखें। एक दिन पहले हम आपको बताएंगे आपका गुड लक कैसा होगा, आपका राशिफल कैसा होगा, और बताएंगे आपको कुछ खास उपाय मेष से लेकर मीन राशि वालों का लकी कलर, राशिफल के साथ साथ लकी टाइम, लकी समय आपके लिए, सब कुछ एक दिन पहले हम आपको बताएंगे, देखते रहिए। और अब अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।